क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसका दायित्व है, उसे तो हर समय तैयार रहना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जिनके लिए आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप यदि अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग कर लो तो उसी से आप बैठे बैठे जीत जाते हो। कैसे? अभी 5 दिन पहले भारत का लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के समुद्र के किनारे पर घूम रहे, उन्होंने 4-5 फोटो वहां की क्लिक करवाई और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और नीचे लिख दिया गया कि जो व्यक्ति एडवेंचर यानी घूमने फिरने के प्रेमी हैं, विदेशों में जाके इतना पैसा लगाते, उनको विदेश जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन स्थानों को देखने के लिए आप विदेश जाते हो ऐसे ऐसे स्थान की तो आपके भारत में, जोर से बोलो, भरमार है। अब जैसे ही उन्होंने ये मैसेज उनका वायरल हुआ तो तुरंत पता लगा मालदीव के कुछ मंत्रियों के पेट में दर्द उठ गया और उन्होंने खरी खोटी सुनानी की शुरू। अच्छा, एक बात क्या कह दी, भारत के लोगों को आज तक इतनी तहजीब नहीं आई कि साफ सफाई क्या होती है। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर तो तंज सही था। और क्यों तंज सही था? अपने घर में होंगे और बच्चा कोई थूक दे या बच्चा पेशाब कर दे तो पत्नी को 10 गालियां सुनाएंगे, तुझे दिखता नहीं है, तेरी आंखें फूट गई, सफाई नहीं रख सकती घर में। और खुद पता लगा कि गुटखा खाए, मसाला खाए और चलते चलते सड़क पर कहीं भी थूक दे, इसलिए जिस देश के अंदर व्यक्ति को यह भी बताना पड़े कि लघु शंका कहां करनी और कहां नहीं करनी, दीवारों पर लिखा रहता है, तो शायद उनकी उस नादानी के कारण ही विदेश वालों ने हंसी उड़ाई कि जिन्हें आज तक शौचालय करने का ठीक से नहीं पता वो हमारे मालदीव की तुलना और अपने देश से कर रहे हैं। अब पता लगा जैसे ही ये मैसेज वायरल हुए तो तुरंत के तुरंत जितने भी बड़े बड़े लोग, जो धनाढ्य लोग प्रति वर्ष जाते हैं घूमने के लिए, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर मैसेज करना शुरू किया। फिर वही, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, बड़े बड़े लोग, और जितने लोग जाने वाले थे उनमें से लगभग 15,000 लोगों ने तुरंत अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दी, होटल की बुकिंग कैंसिल करा दी तुरंत। जानते हो, आज ही वहां के प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया कि मैं भारत आना चाहता हूं। जिन 3 मंत्रियों ने बयान दिए थे कल उनको सस्पेंड कर दिया। और आज भी आप न्यूज में जाकर के देखेंगे तो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, कोई बंदूक उठानी पड़ी क्या? जोर से बोलो, कोई गोली चलानी पड़ी क्या? तलवारें लेकर के जाना पड़ा? आंदोलन करना पड़ा? नहीं, बस बायकॉट। सीधी सी बात है, विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई। उनका नाम नहीं लिया पर बेमतलब में कूद पड़े। वो कहते हैं ना, किसी का पैर कुलाड़ी पे आता है, उन्होंने आके खुद ही पैर रख दिया, लो बैठे बिठाए शनि चढ़ा लिया अपने ऊपर तुरंत। किस कारण से हुआ? बुद्धि के कारण से। एक प्रधानमंत्री अपने देश को प्रमोट कर रहा है और दूसरे ने मजाक उड़ाई। अब उन्होंने बैठे बिठाए अपनी इतनी हानि कर ली जिसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकते। और यहां बैठे बैठे जिन व्यक्तियों ने बायकॉट किया, अब वो इतने बड़े लेवल पे बैठे, उन्हें ना चाहते हुए भी लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। लाभ किसका होगा? देश का होगा। अब विचार करना, केवल बुद्धि के कारण। तुम्हें क्या कहा, गीता में क्या कहते हैं कृष्ण?
शीश पर जो बैठे हुए, ऊपर जो बैठे हुए, वो जैसा व्यवहार करते तुरंत नीचे तक वैसा ही व्यवहार चलता है। तो वहां अगर किसी ने अपने बल को सही दिशा में लगाया तो नीचे तक भाव वही बनेगा। वहां बैठे हुए बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को अगर किसी सही दिशा में लगाया तो भाव नीचे तक वही बनेगा। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं, अगर कोई धनवान शीर्ष कोटि पर बैठा है और वो धनवान व्यक्ति अपने धन को अगर सही दिशा में लगाता है तो नीचे तक व्यवहार, जोर से बोलो, वही चलता है, वही चलता है।